श्री गायत्री आश्रम गधेथड़ राजकोट जिले के उपलेटा जो शहर है वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पे आगे गधेथड़ के करके जो गांव आता है वहाँ के पास आया हुआ ये गायत्री आश्रम है। यहाँ आसपास बहुत ही अच्छा नेचुरल व्यू है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और पास में ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो वेणु 2 सिंचाई योजना का डैम बांध है। वहाँ से वेणु नदी जो है वो निकल रही है और उसके पीछे पूरा ये डैम भी आया हुआ है। उस ये वेणु नदी के किनारे पे ही आया हुआ ये गधेथड़ गांव जो है वहाँ का ये गायत्री आश्रम है। हम यहाँ अंदर आपको पूरा बताते हैं। ये गधेथड़ आश्रम जो है ये उपलेटा से हम आते हैं तो कोलकी करके गांव आता है, वहाँ से 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर आगे ये है। वाह, अंदर एंटर होते ही ये पूरा व्यू मंदिर का अच्छा दिखाई दे रहा है। आसपास में काफ़ी सारा पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। ये बनियन ट्री, बरगद ट्री, यहाँ संत निवास सामने दिखाई दे रहा है। ये पीपल का पेड़ है, अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा चल रही है, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा एटमॉस्फियर है। यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है और ये यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं उसके लिए चाय पानी है। या मॉनसून के मौसम में जब हम आते हैं तो कुछ अलग ही ये होता है। बहुत ही खूबसूरत अच्छा मंदिर है। ओम भूर्भुवस्वः तत्त्वस्वी वत्रयम् भर्गदेवस्य धीमहि धियो यन प्रचोदया। यहाँ अंदर लक्ष्मी जी, गायत्री जी और सरस्वती माँ की प्रतिमा है और पास में ये गणेश जी का प्रतिमा भी है और यहाँ इधर हनुमान जी का प्रतिमा है। मंदिर के अंदर ही काफ़ी सारे पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हुए हैं और इन इतनी गर्मियों के मौसम में भी बिल्कुल टेम्परेचर लो लग रहा है यहाँ पे। ऐसे लगता ही नहीं कि ये गर्मियों का मौसम है, ये आम का पेड़ लगा हुआ है। असोपल ऑफ ट्रीज, अशोका ट्रीज जिसे कहते हैं और ये है
चीकू, चीकू का पेड़। आप यहाँ दर्शन के लिए हैं? दर्शन के लिए कहाँ से आ रहे हैं? आप सेवा करते हैं और यहाँ पे पूरे दिन आप यहाँ ही होते हैं। ये आश्रम कितने साल पुराना है? पाकिस्तान। आपका नाम क्या है? रामदेव। मैं गांधीनगर से आ रहा हूँ। ये रामदेव सिंह जी जो है उसने हमसे बात की कि ये 35 ईयर्स पुराना ये आश्रम है और यहाँ पे ये संत साधना कुटर में है। यहाँ पे साधना कुटर में संत जो है वो वहाँ पे ही होते हैं, शाम को निकलते हैं। और ये जो डैम है वो कौन सा? वेनू डैम। बारिश के मौसम में तो काफी सारा भरा होता है सारा पानी। बढ़िया प्रसाद की भी व्यवस्था है। तो पहले नाम लिखा रहे पड़ता है या चालू होता है? 12 बजे प्रसाद, 1 बजे। यहाँ हमने जो बात की, यहाँ जो सेवा दे रहे हैं उसने कहा कि यहाँ पे दोपहर को 1 बजे के आसपास भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था होती है। ये भोजन कक्ष है, प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पे होती है, सब यहाँ प्रसाद लेते हैं। ये यहाँ पूरा हॉल है और इसके पीछे भोजन के लिए सब बैठते हैं। ये यहाँ के अभी जो हमने बात की वो परम पूज्य संत श्री लाल बापू है, उसकी चित्र है। और ये पूरा भोजन कक्ष है, यहाँ पे हम प्रसाद दोपहर को 1 बजे ले सकते हैं। अभी थोड़े देर के बाद यहाँ प्रसाद शुरू होगा। ये रसोई घर, यहाँ पे प्रसाद की रसोई बनती है और ये पीछे बैठ के हम भोजन प्रसाद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वच्छ क्लीन मंदिर है और छांव भी बढ़िया है। और ये यहाँ चाय की व्यवस्था, चाय भी आप पी सकते हैं। ये साधना कुटीर है, यहाँ के जो संत है लाल बापू वो यहाँ पे साधना के लिए पूरे दिन रहते हैं। और ये पूरा बनियन ट्री, बहुत ही बड़ा है। इस बनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो है उसकी छांव इतनी फैली हुई है कि यहाँ कम से कम
200 से भी ज़्यादा लोग इसकी छांव में बैठ सकते हैं। हम इसलिए हमें ये पर्यावरण, ये पेड़ों का महत्व समझना चाहिए। जितने भी ये इतने हम पेड़ लगाएंगे, उतनी हमें छांव, हरियाली और बारिश मिलेगी। यह मंदिर के परिसर में ही काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, इनमें से एक आम का पेड़ भी है। आप जब भी कभी इधर आए राजकोट उबलेटा की ओर, तो ये गधेथड़ गांव जो है, वहां का ये गायत्री आश्रम है, उसका दौरा, मुलाकात अवश्य करें। और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। श्री गायत्री आश्रम गधेथड़।